हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास फोनोलॉजी। अपनी प्रिया को राम ने आखिरकार कह ही दिया आई लव यू। नींद में ही सही राम के मुंह से आखिर वो ढाई अक्षर प्रेम के निकल ही गए, वो भी प्रिया के लिए। और ये सुनकर लवली बनी प्रिया एकदम इमोशनल हो गई। वो होता है कुछ यूं कि राम की तबीयत है खराब और लवली यानी प्रिया उनका ख्याल रखने उनके घर पर आती हैं। राम की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं कि राम को किसी ऐसे की जरूरत है जो उनका 24 घंटे ख्याल रख सके। इस बात से प्रिया परेशान हो जाती है। राम की ऐसी हालत को देखकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि जब तक राम होश में नहीं आएंगे तब तक वो वहीं उनके पास रुकेंगी। इस बात पर वेदिका जो कि राम की एक्स गर्लफ्रेंड है प्रिया को रोकती है। इस बात से राम की माँ बहुत खुश हो जाती है। हालांकि दूसरे घर वालों को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। वेदिका लवली बनी प्रिया जो कि फिलहाल राम की पीए है उससे कहती है कि राम ने उसके गले में एक ऐसा नेकलेस पहनाया है जिससे वेदिका और राम की दोस्ती गहरी हो गई है। इसलिए प्रिया को वहां रुकने की जरूरत नहीं क्योंकि वेदिका राम के पास रुकेगी। इस बात से प्रिया परेशान हो जाती है और राम के साथ बिताए उन सभी पलों को याद करने लगती है। राम की याददाश्त चले जाने के बाद प्रिया ने लवली का रूप राम के लिए ही लिया है, ये तो हम सभी जानते हैं। और वो राम का ख्याल रखने के लिए ही उसकी पीए भी बनी है। लेकिन वेदिका के ये कह जाने पर कि प्रिया वहां से चली जाए, प्रिया परेशान हो जाती है और राम से मन ही मन कहती है कि भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए और मिस्टर कपूर लवली को वहीं रोक ले। प्रिया उर्फ लवली के बस कहने की देरी थी कि मिस्टर कपूर ने आवाज लगाई, वो भी नींद में, आई लव यू प्रिया। ये सुनकर वापस लौटती प्रिया अचानक से रुक जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन मिस्टर कपूर की आवाज सुनकर वेदिका चौंक जाती है। सभी घरवाले भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अचानक से राम को प्रिया कैसे याद आ गई। क्या राम की याददाश्त वापस आ गई है? क्या उसको प्रिया के साथ बिताया वो हर वो पल याद आ गया है? राम के प्रिया के इस आई लव यू के बाद आखिर क्या मोड़ लेगी कहानी?